अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खुल्लत की कहानियाँ। तो आज की जो मोरल ऑफ द स्टोरी आप सुनने जा रहे हैं वो है मुसलमान ऐसे भी थे। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। हमारी कहानी का टॉपिक है मुसलमान ऐसे भी थे, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक ग्राहक एक कपड़े की दुकान पर जाता है और दुकानदार से पूछता है कि क्या आपके पास रेशमी कपड़ा मौजूद है। तो दुकानदार ग्राहक को जवाब देता है कि जी हाँ, मेरे पास रेशमी कपड़ा मौजूद है, लेकिन मैंने अभी नहीं बेचना, आप सामने वाली दुकान से ले लें, उनके पास ये कपड़ा भी मौजूद है और अच्छी क्वालिटी में भी है। ग्राहक बहुत हैरान होता है कि कपड़ा मौजूद भी है लेकिन बेचना भी नहीं है। खैर, उसको तो कपड़ा चाहिए था तो उसने सामने वाली दुकान से वो कपड़ा ख़रीद लिया। लेकिन उसके दिल में बार बार ख्याल ये आ रहा था कि मैं पहले दुकानदार से पूछूं तो सही कि वो कपड़ा क्यों नहीं फ़रोख करना चाह रहा था। जब ग्राहक ने दुकानदार से पूछा कि तुम कपड़ा क्यों नहीं फ़रोख करना चाह रहे थे, तो दुकानदार ने जवाब दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेल बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन मेरे सामने वाली दुकानदार जो मुसलमान भाई है, इसकी सेल आज अच्छी नहीं हुई थी, तो मैंने आपको कपड़ा देने के लिए इसलिए इनकार किया था कि आप कपड़ा उनसे ख़रीद लें ताकि उनकी भी रोज़ी का सबब बन सके। तो देखा दोस्तों आपने, किस तरीके से एक मुसलमान दुकानदार ने दूसरे मुसलमान दुकानदार की मदद की और इस तरीके से भाईचारगी का दर्स दिया। इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। तो दोस्तों, आज से आपने भी इरादा करना है कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो आपने उसकी मदद करनी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।